दो होटलों पर चला बीडीए का बुलडोजर। वाराणसी शहर के दो प्रतिष्ठित होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर शनिवार को बीडीए ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। कार्रवाई के से पहले बीडीए ने नोटिस देकर दोनों होटलों को सील किया और बिजली तथा पानी का कनेक्शन कटवाया। इस कार्रवाई के दौरान होटल मालिक की बीडीए के अधिकारियों से बहस भी हो गई। आरोप है कि दोनों होटल यात्रियों की बुकिंग लेते रहे, साथ ही होटल में कंस्ट्रक्शन भी करवाया और दोनों होटल बुद्ध विहार कॉलोनी में बनाए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान बनारस कोठी होटल के मालिक बेहोश हो गए। किसी भी अनहोनी की घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। होटल मालिक और उनके परिजन ने रोते हुए अफसरों से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। कल आप सुबह होटल खाली कर दीजिए। होटल दोनों होटल में मेरा पूरा परिवार रहता है। आज सुबह पूरी फोर्स लेके और सचिव अनुसचिव और सारे विकास प्राधिकरण के सारे अधिकारी अंदर घुसने लगे। उसमें एडीएम सिटी जो मोटे हट्टे कट्टे थे, मैंने उनसे कहा सर मेरा ऊपर परिवार रहता है, ऊपर सिर्फ लेडीज पुलिस को भेजिए। उन्होंने मुझे अपने पकड़ा, पकड़ के मेरे अपने सर से मेरे मुंह पे मारा, मेरे पैर पे मारा, मेरा पैर टूट गया, मेरा सर फूट गया, ये देख लीजिए होठ पे मारा। उसके बाद माँ की गाली देते हुए आतंकवादी कहते हुए उन्होंने कहा साले पैसा नहीं दोगे तो मियाँ तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, यही है। और अब ये लोग उन 25 होटलों पर कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि कंफर्ट इन पार्क प्लाजा बगल में ब्रिजेश सिंह बदमाश का होटल बन रहा है, उसको आके जोनल अधिकारी ने पास किया, उसको भी नहीं रोक रहे। सामने अभी साल भर पहले ये रियो बनारस बना, बगल में वरुणा नदी के किनारे वरुणा ग्रांड के नाम से संदीप झा का होटल बना, कंफर्ट इन जो नदी के अंदर उसका पिलर है, सूर्या होटल, कंफर्ट इन, सफाया इन, इसका किरण पैलेस और बनारसी साड़ी, अभी काशी इन, ये रिजेंसी, जियो इन, पार्क प्लाजा, ये एक और होटल, ये सारे होटल सभी जी प्लस टू नक्शा पास है। मेरा भी जी प्लस टू नक्शा पास है। मैंने शासन में गए कि मेरा लैंड यूज चेंज करके मेरा कमर्शियल कर दिया जाए, मेरा नक्शा जो गलत है उसको हम खुद ध्वस्त कर देंगे और उसको कंटिन्यू कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल रात को 26 तारीख को 9:30 बजे आके ये हमारे साथ कार्रवाई कर रहा है। कौन आपको मारा था? और ये एडीएम सिटी पैसा मांगे थे। रात को 12 बजे तक मीटिंग हुई, ये मेरे होटल पे आए, 5 दिन से ये मेरे होटल रोज आ रहे हैं, आने के बाद कह रहे हैं मियाँ राम पैसा दो, बिना 2 करोड़ दिए तुम्हारी जान नहीं बचनी है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की, 12 बजे रात तक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो सुबह हम कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि हमारा हाई कोर्ट में मामला है, लंबित है, सोमवार को हेयरिंग है, आप हमारी बात तो सुनिए। उन्होंने सुनने के बजाय मुझे मारा गया। क्या क्या लगता है आपको? 2 करोड़ रुपया ये मांग रहे कि तुम्हारा कोई कार्रवाई तुम्हारे पर, एडीएम सिटी जो मोटे से लंबे से जिन्होंने मुझे मारा। और ये 23 तारीख की रात को 1 बजे तक ये लोग मेरे होटल में बैठे रहे बिना कोई सूचना के। मेरी लाइट काट दी गई, भागवत कथा हो रही थी, भागवत कथा में सारे 600 गुजरात के लोग आए हुए थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके औरतों के साथ बदतमीजी की गई और जबरदस्ती बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। उनको हम जनरेटर से सुविधा दे रहे थे कि उनकी भागवत कथा हो जाए, लेकिन इन लोगों ने होने नहीं दिया। और एडीएम सिटी रात को 12 बजे तक हमारे यहाँ बैठे रहे और उसमें टूरिस्ट अफसर नितिन पारिक, नितिन कुमार और संबंधित क्षेत्राधिकारी और सारे वीडीए के सारे अधिकारी, सचिव, अनुसचिव, जोनल, गौरव सिंह और परमानंद सिंह, ये जितने अधिकारी थे पूरा अमला, ये लोग बैठे रहे कि आप ऐसा कीजिए, पैसा दीजिए। हमने कहा कोई नोटिस दीजिए, कुछ तो दीजिए, मेरे पास तो आपका दिया कुछ है भी नहीं, हम किस चीज़ पे दें? क्या लगता है आपको, आप ये मुसलमान हैं? ये इन लोगों का मेन ध्येय है कि हम लोगों के पीछे कोई बैकिंग नहीं है, हमारे पीछे कोई गुंडा नहीं है, कोई बदमाश, कोई राजनीति नहीं है। हमारे साथ सिर्फ एक द्वेष की भावना से, ये एक द्वेष की भावना से किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ अकेले यहाँ सारे अपना होटल बनाए और अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार दोनों होटल में रहता है और शिव कथा पुराण और हमारे हमेशा शिव कथा और भगवत कथा होती है। हमारे यहाँ पब्लिक का कोई वो नहीं है, लोकल पब्लिक को या किसी भी गेस्ट को हम रूम नहीं देते, सिर्फ हम भगवत कथा कराते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ भगवत कथा होती है, लेकिन अगल बगल के जो होटल है वो सारे खाली रहते थे क्योंकि हम 300 रुपये में रूम देते थे उनको, इसलिए कि भगवान का काम है। लेकिन ये सारे होटल इन लोगों को बुरा लगता था।
इन लोगों को बुरा लगा था। 21 तारीख से भगवत कथा शुरू हुई, 21 तारीख से इन लोगों ने डिस्टर्ब करना शुरू किया, लेकिन कोई नोटिस नहीं हमको नहीं दिया। और नतीजा ये है कि आते से आते एडीएम सिटी ने अपने सर से मुझे मारा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। यही है सच्चाई। और ये अब लोग तोड़ने ही गए मुसलमान है, क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कम्फर्ट इन है, सफाया इन है, क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि जूब क्षेत्र में 756 मकान है, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं। इसे तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया, अरुण सिंह ने बनाया, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? सामने होटल रिवर बनाया गया साल भर पहले, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? संदीप ग्रांड नदी के पावे में बनाया, क्यों नहीं रोक रहे हो? क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि अब किसी को पैसा दे पाए, मेरी औकात नहीं किसी नेता के पास जाए, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाए, क्योंकि हम हमारा कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाई कोर्ट में, इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, जाति का टाइम दीजिए। इन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की, लोग घर यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे, नहीं दिया। मेरे पास पैसा है कहाँ, कहाँ से देंगे? उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ना मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है, ना उसको खाली करने दे रहे, ना कुछ कर रहे। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। और मेरा जी प्लस टू का नक्शा पास है, और इस कॉलोनी में सबका जी प्लस टू का रेजिडेंशियल नक्शा पास है। ये जी प्लस टू तो है नहीं, जी प्लस यहाँ जी प्लस फोर सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का जी प्लस फोर है, लेकिन सबने जी प्लस टू का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल वीसी सचिव जोनल और जेई, ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपए एक सिलाब, 50,000 रुपए हफ्ता। आज भी अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसमें मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से बनवाया, मुझे एडीएम ने सिर पकड़ के मुझे मारा। और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है, वो कहते हैं कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का, मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के छोड़ दे। आपने इस पूरे खेल की जानकारी सरकार को, सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश क्या खोलना के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी, उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को परसों 23 तारीख की रात को ये पूरे का पूरा टीम और पूरी फोर्स 10 थाने की फोर्स लेके रात को 12 बजे तक बैठे थे। महीने में, महीने का आप लोग पैसा पहुंचा देते क्या? जब कहां, किसको किसको जाता था? ये जोनल जेई बीसी सी और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है रेट था, जब तक बनेगा 50,000 रुपए हफ्ता और 5 लाख रुपए एक सीट ढलाई का। ये जितने होटल है सब जी प्लस टू नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी एनओसी है, फायर की एनओसी है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की एनओसी, सबके एनओसी है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही ठीक है।